करनाल की पुरानी सब्जी मंडी में प्रदेश भर की हजारों आशा वर्करों ने अपनी मांगों को लेकर आज वीरवार को जोरदार प्रदर्शन किया है। कई घंटे तक चले जोरदार धरने प्रदर्शन में आशा वर्करों ने मनोहर सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। बाद में मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि संजय भटला ने उनकी मांगों का ज्ञापन पत्र स्वयं जाकर लिया। यह ज्ञापन पत्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम पर था। मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि संजय भटला ने आशा वर्करों को आश्वासन देते हुए कहा कि सरकार उनकी मांगों पर गौर करेगी। इसीलिए सरकार ने 20 अक्टूबर को आशा वर्करों के प्रतिनिधि मंडल को चंडीगढ़ में बातचीत के लिए बुलाया है। सरकार द्वारा आश्वासन देने के बाद यह धरना बाद दोपहर खत्म हो गया। आशा वर्करों की मांग थी कि हरियाणा में स्वास्थ्य सुविधाओं का ढांचा उनकी जरूरतों के हिसाब से नहीं है, काफी लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। उनका कहना था कि कोरोना काल में आशा वर्करों और NHM कार्यकर्ताओं ने खूब सेवा की, खुद को मुश्किल में डाला लेकिन ड्यूटी को ईमानदारी से निभाया। हरियाणा की 98% CHC में डॉक्टर नहीं है, अल्ट्रासाउंड और एक्सरे की मशीनें नहीं है, जबकि COVID-19 के चलते सरकार को नए अस्पताल खोलने चाहिए थे, नए डॉक्टर और कर्मचारी भर्ती किए जाने थे लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि सरकार निजीकरण की तैयारी में है, जिसे बचाने के लिए आशा वर्कर आंदोलन कर रही हैं। इस अवसर पर आशा वर्कर के यूनियन हरियाणा की प्रधान प्रवेश कुमारी, महासचिव सुरेखा, कोषाध्यक्ष सुधा, सचिव सुनीता, सर्वजीता, अनीता, अंजू और मंजू के साथ साथ हजारों आशा वर्कर मौजूद थी। इसके अलावा आशा वर्कर के आंदोलन को सर्व कर्मचारी संघ और सीटू का भी समर्थन हासिल था। देखिए समाचार एक्सप्रेस की यह एक रिपोर्ट। मातृशक्ति बहने, आपकी जो भी मांगे हैं आप माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर उन अपने मांगों को रखेंगे, विचार करते हुए आपकी मांगे को पूरी करेंगे जरूर, ऐसा मेरा विश्वास है। 20 अक्टूबर दोपहर को 12 बजे 10-12 लोगों का आपका डेलीगेशन चंडीगढ़ में ही मुख्यमंत्री निवास पे मिलने की अनुमति माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है। तो आप जो लोग मिलना चाहते हैं, आपका जो प्रतिनिधि मंडल है, वो एक बार आप 10-12 लोगों के नाम मेरे को भेजेंगे, वो नाम मैं आगे माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भेज दूंगा और आप उनसे मिल पाएंगे। दोस्तों, मैं हूं तरुण मदान और आपकी समय देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। मैं आपको बता दूं कि मैं इस समय मौजूद हूं करनाल की पुरानी सब्जी मंडी के अंदर। मैं आपको दिखा दूं, यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरे प्रदेश की आशा वर्कर यहां पर आज जमा हुई हैं सरकार के खिलाफ ही अपना रोज प्रदर्शन भी करने के लिए। मैं आपको बता दूं उनकी कुछ मुख्य मांगे हैं जिनको लेकर ये पिछले कई दिनों से हड़ताल पर बैठी थी, लेकिन सरकार ने इनकी कोई भी मांग नहीं सुनी और इनको इसके बाद इनको अब ये निर्णय लेना पड़ गया कि अगर सरकार नहीं जागती तो ये CM सिटी के अंदर आकर रोज प्रदर्शन करेंगे। मैं आपको दिखाना चाहूँगा किस तरह से पूरे प्रदेश की आशा वर्कर इस समय करनाल में मौजूद है। यहाँ पर पुलिस का पहरा भी मौजूद है ताकि कोई भी ऐसा बात ना हो या इनसे कोई बात ना हो पाई या ऐसी कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए पुलिस द्वारा प्रबंध भी किया जा चुका है। लेकिन बावजूद इसके, लेकिन मैं इसमें ये जोड़ना चाहूँगा कि आशा वर्कर पिछले कई दिनों से हड़ताल पर हैं लेकिन सरकार ने इनकी कोई भी मांग नहीं मानी। मैं आपको बता दूं, इनकी मांग ये थी कि आशा वर्कर्स व ANM को स्थायी करो, न्यूनतम वेतन व जोखिम भत्ता लागू करो, प्रोत्साहन राशियों में कटौती वापस करो, स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत करो। इस समय मेरे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए यूनियन के पदाधिकारी। सर, सबसे पहले आपका शुभ नाम। श्री सेठी, जनरल सेक्रेटरी सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा। सर, आज के जो आशा वर्कर यहाँ पर अपना रोज प्रदर्शन करने के लिए, आपने इनको सहयोग दिया सर्व कर्मचारी जनरल सेक्रेटरी या सर्व कर्मचारी संघ, सर इनकी मुख्य मांगे क्या है? इनकी मुख्य मांग जो सरकार से पीछे समझौता हुआ था, एक तो उसको लागू करवाने की है। तमाम ये जो NHM का ढांचा है इसको स्वास्थ्य विभाग में मर्ज करने की बात है, और ये लगातार आशा वर्कर अकेली अपनी मांगों के लिए नहीं, इस प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत हो, जनता को, प्रत्येक जनता के हिस्से को स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर मिले। सरकार के साथ किस तरह का समझौता हुआ था जो सरकार ने माना नहीं अभी तक? एक तो न्यूनतम वेतन देने की बात है जो एक हर एक कर्मचारी को, वर्कर को मिलना चाहिए,
जोखिम भत्ता ये इस कोरोना महामारी में लगातार जोखिम भरा काम कर रही हैं। सरकार ने मानकर भी कि हम जोखिम भत्ता देंगे, अभी तक वो नहीं दिया, उसको लागू नहीं किया। लगातार 20 दिन से ज़्यादा हड़ताल चली, उसके बाद उसको अधिकारियों ने बातचीत करके स्थगित उसको हमने किया, और उसके बाद फिर भी बातचीत सरकार आशा वर्कर के साथ नहीं कर रही। उन मांगों को लागू कराने के लिए यह तमाम आज प्रदेश के मुख्यमंत्री के यहाँ पे गृह क्षेत्र में आ जाके दोबारा से आज ये अपील कर रहे हैं कि जो उनके साथ माननीय मांगे हैं उनको लागू सरकार करे, स्वास्थ्य विभाग के ढांचे को मजबूत करे। इन मांगों को लेकर आज आशा वर्कर यूनियन फिर से आई है। अगर सरकार मांगे नहीं मानती तो आगे क्या स्थिति रहेगी? एक तो 50% इंसेंटिव देने का पहले से एग्रीमेंट है, देना शुरू कर रखा था, उसको सरकार ने काट लिया, जबकि कोरोना के चलते स्पेशल इंसेंटिव देने की बात भी और के लिए भी हुआ डिक्लेयर, लेकिन नहीं क्या। अब तो ये एक लड़ाई है, संघर्ष है। आशाएं आज मुख्यमंत्री जी ने समय दिया था 1 तारीख का बातचीत करने का, जिसके ऊपर कोई बातचीत नहीं हुई। उप मुख्यमंत्री की ड्यूटी लाई, उन्होंने कहा 1 हफ्ते में कर लेंगे, 27 सितंबर को बात हुई थी, लेकिन 27 सितंबर के बाद तो 1 हफ्ता क्या 2 हफ्ते चाली है। अब आज यहाँ से ये संघर्ष और तेज होगा। ये थे हमारे साथ सर्व कर्मचारी संघ के पदाधिकारी। मैं आपको बता दूं कि लगातार सरकार के खिलाफ वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं। सरकार ने जो समझौते के साथ इनके साथ समझौते का वायदा किया था उसकी पालना आज तक नहीं की, 20 दिन से लगातार हड़ताल पर हैं। आज मेरे साथ आशा वर्कर एक और मौजूद हैं। मैडम आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का सरकार ने आपके साथ वो किया है कि सरकार ने समझौते का पालना नहीं की, किस तरह से आपको भ्रम में रखा? सरकार ने हमारे को भ्रम में रखा है। हम सभी आशा वर्कर 20 जुलाई को नोटिस दे के तब हड़ताल पे आए थे, और 7-10 दिन सभी आशा वर्कर हड़ताल पे रहे। 26 तारीख को हम पंचकूला के अंदर जो रैली करके आए उसमें हमारे को आश्वासन दिया गया तो जल्दी आपको हम लागू करेंगे, जैसे मुख्यमंत्री जी ठीक होके घर आ जाएंगे कोरोना से तभी हम आपकी मांग पूरी करवाएंगे। और 27 तारीख को जब हमारा स्टेट डेलीगेशन चंडीगढ़ में बुलाया गया बातचीत करने के लिए, तब भी एक आदम 7 अक्टूबर तक आपको सब लागू कर देंगे। आज यहाँ सरकार की गलत मंशा के कारण हम यहाँ पहुँचे हैं। सरकार ने हमारी एक भी मांग पूरी नहीं करी, सभी वर्करों में रोष है, और जो आज हम यहाँ करनाल में इकट्ठे हुए हैं इसकी पूरी और पूरी जिम्मेदारी और हरियाणा सरकार की है। अगर सरकार चाहती हमारे को कुछ देना तो आज हम यहाँ इकट्ठा नहीं होने की नौबत नहीं आएगी। देखिए इन्होंने हमारे को बताया कि किस तरह सरकार ने वादा खिलाफी की है। ये मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया उन्होंने नहीं माना, उप मुख्यमंत्री ने बातचीत का वादा किया उन्होंने नहीं माना, प्रोत्साहन राशि का काट दिया गया इनको पहले कोरोना काल के अंदर, कोरोना काल अभी भी चल रहा है, कोरोना काल के अंदर इन्होंने इनको कोरोना योद्धा कहा गया था, इनको कहा गया था कि इनको कुछ ना कुछ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, प्रोत्साहन राशि को काट दिया गया, इनको कुछ नहीं दिया गया। एक दो आशा वर्कर हमारे। मैडम आप कहाँ से आए इस समय? मैं जींद से आई हूँ सर। जींद से आप आए हैं, कितने लोग हैं आप लोग यहाँ पर? जी कहाँ से? आप जींद से कितने लोग इकट्ठे हो? जींद से हम 100 लड़कियाँ हैं। आप सरकार के वादा खिलाफ का आरोप लगा रहे हैं। हाँ जी, वादा किया था उसको नहीं माना, जो समझौता आपको किया गया था उसको लागू नहीं किया गया, इस बारे में अब आप क्या कहना चाहेंगे? अगर ये आपकी बातें नहीं मानी जाती सरकार के द्वारा तो आगे की रणनीति क्या रही है? अगर सरकार देखो हमारी बात नहीं मानती, हम 2 महीने से आंदोलन में चल रहे हैं लेकिन सरकार ने अब तक कान तक नहीं ला है, लेकिन सरकार हमारी बात नहीं मानती, अतः हम बड़े आंदोलन की घोषणा यहीं पर करेंगे। कोई भी कदम उठा सके उसका इंजाम सरकार ने भुगतना पड़ेगा। हम इतना बड़ा वेतन कुछ मांग सरकार से नहीं मांग रहे, सिर्फ सरकार पर जो 8 गतिविधियों का पैसा कटा है 1000 रुपये 50% उसका बनता है, सिर्फ हम आशा सरकार से वो मांग रहे हैं। जो 2018 का समझौता हमारे साथ हुआ था उसको नोटिफिकेशन जारी करवाना खतर हम आंदोलन में उतर रहे हैं। सरकार देख ले 2 महीने से कुछ भी नहीं कुछ उतर रही है, लेकिन हम बड़े आंदोलन की मैं सोनीपत से आई हूँ और मैं आशा वर्कर्स यूनियन की राज्य सचिव हूँ। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि जो ये महिलाएं हैं ये कोरोना योद्धा हैं, इन्होंने कोरोना महामारी में देश और प्रदेश में बहुत अच्छे तरीके से अपनी भूमिका निभाई है। हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार हमारी समस्याओं का समाधान करे। हमारी कोई भी नई मांग नहीं है, हमारी काटी गई राशि को तुरंत बहाल किया जाए, तमाम आशाओं को जोखिम भत्ता दिया जाए, जो आशा संक्रमित हुई है उन आशाओं को सहयोग राशि सरकार दे ताकि उनके परिवार का गुजारा हो,
क्योंकि इस बीमारी से अगर कोई बचा सकता है तो वो हमारी इम्यूनिटी है, और अगर इम्यूनिटी तो तभी बनेगी इंसान में जब उसको अच्छा खाना मिलेगा, अच्छा खाना तब मिलेगा जब उसके पास पैसे। मैडम सरकार ने आपके साथ जो समझौता किया था पालना नहीं की, इससे सरकार की मंशा पर आप क्या सवाल उठाना चाहेंगे, आखिर क्या कारण होता है कि सरकार ने समझौता किया, बातचीत का वादा किया, बातचीत नहीं की, समझौते की पालना नहीं की, इसके पीछे आपका क्या कारण हो सकता है? सरकार ने हमारे साथ लगातार 3 बार वार्ताएं की है, और सरकार का जो रुख है वो महिलाओं के प्रति बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और इन महिलाओं ने अपना फर्ज निभाया है, लेकिन सरकार ने अपना फर्ज बिल्कुल भी नहीं निभाया है। सरकार को हमें जोखिम बता देना चाहिए था, जब दूसरे लोगों को सरकार दोगुने वेतन की घोषणा कर सकती है तो सबसे पहली सीढ़ी पर काम करने वाली आशाओं को उनका जो जोखिम बता वो क्यों नहीं दे सकती? ये सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो मुहिम है उस पर सीधे सीधे सवाल खड़ा करता है। जो आज देश को बचाने का, प्रदेश को इस महामारी में बचाने का काम किया वो महिलाएं हैं, वो इस हरियाणा की बेटियां हैं, इस देश की बेटियां हैं, क्यों सरकार आखिर उनकी बात नहीं सुन रही है? क्यों सरकार ने 2 महीने से इस आंदोलन को अनदेखा कर रही है? 7 अगस्त से आशा वर्कर्स ने हड़ताल की, आज 26 अगस्त को हड़ताल वापस ली, तमाम आशा वर्कर्स ने तमाम जिलों में रोष प्रदर्शन किए, सभी विधायकों को सभी MPs को अपनी समस्याएं बताई, हमें जो है सरकार अनदेखा कर रही है, इस अनदेखी को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देखिए किस तरह से आशा वर्कर यूनियन की राष्ट्रीय सचिव ने, आशा वर्कर की राष्ट्रीय यूनियन ने हमें साफ साफ बता दिया कि सरकार की मंशा क्या है, आखिर सरकार उनसे बातचीत क्यों नहीं कर रही है, अगर बात करती है तो वादा अपना पूरा क्यों नहीं? मैडम आप क्या कहना चाहेंगे, कहाँ से आए आप? करनाल डिस्ट्रिक्ट की प्रधान। आपका नाम? सुदेश राणी। सुदेश जी आप, हम सरकार से यही कहना चाहेंगे, जब हम 7 तारीख से हड़ताल पे बैठते हैं और हमारी सरकार के साथ बार बार वार्ता हो चुकी है और बार बार आश्वासन ही मिला, सरकार ने हमें ना हमारा नोटिफिकेशन जारी किया, 28 तारीख को वार्ता होने के बाद सरकार ने 7 तारीख को नोटिफिकेशन जारी करने का किया था और सरकार ने नोटिफिकेशन नहीं हमारा जारी किया। सरकार से हमारा अनुरोध है हमारा नोटिफिकेशन जारी कर दे, हमारी जायज मांग है वो पूरी कर दे, अन्यथा आज जब स्टेट कमेटी के फैसले के अनुसार बड़े आंदोलन की घोषणा होगी। ये थी हमारे करनाल की प्रधान सुदेश जी, जिन्होंने जानकारी दी कि सरकार ने अगर उनकी मांगे नहीं मानी तो वो बड़े आंदोलन के लिए भी तैयार हैं, किसी भी तरह के आंदोलन के लिए वो तैयार हैं। उनकी कोई मुख्य मांगे नहीं है, कोई नई मांग नहीं है, केवल पुरानी मांगे हैं। मैडम आप आज के इस रोष प्रदर्शन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये देखिए हम काफी परेशान होकर यहाँ करनाल पहुँचे हैं और कोरोना काल में करनाल पहुँचे हैं, और हम तो असल में पहुंचे क्या हैं, हम तो शुरुआत से सड़क पे हैं। जब से कोरोना शुरू हुआ सरकार ने सबको कहा कि आप घर के अंदर बैठिए, आशाओं को कहा कि आप घर के बाहर जाइए, आप ये पता लगाइए कौन बाहर से आ रहा है, किसको क्वारंटीन करना है, किसके घर पे पर्चा चिपकाना, हमने तमाम काम किए, लेकिन तमाम काम करते हुए जो हमारा उत्पीड़न हुआ उस पर सरकार ने हमारी एक भी बात नहीं सुनी, यहाँ तक कि हमारे इंसेंटिव के अंदर कटौतियाँ की गई, हमारे 2G SIM बंद कर दिए गए, हमें 4G SIM दे के हमें ऑनलाइन काम करने का, डिजिटली काम करने का हमारे ऊपर प्रेशर बनाया गया, जबकि उसके लिए जो फोन सरकार को देना था वो फोन उन्होंने हमें नहीं दिया, तो हम अपनी इन तमाम मांगों को लेके यहाँ पे पहुँचे हैं कि हमारे कटे हुए इंसेंटिव वापस दिए जाए, हमें जो है डिजिटल हमें फोन दिया जाए एंड्रॉइड फोन, और हमें सुरक्षा उपकरण दिए जाए, हमारी सुरक्षा की गारंटी सरकार द्वारा ली जाए। लेकिन 2 महीने से हमारा आंदोलन इन छोटी मोटी मांगों को लेके चल रहा है जिसपे सरकार अभी तक कोई ध्यान नहीं दे रही है। सरकार चाहती तो ये कोई ऐसी बड़ी मांगे नहीं थी जिनका सरकार हल नहीं कर सकती है, लेकिन वो बात नहीं करना चाहती और हल नहीं करना चाहती। वो जो ये कहते हैं कि हम जनता के सेवक हैं, अब आज उन सेवकों के पास अब हरियाणा की 20,000 बेटियों से बात करने के लिए 5 मिनट का समय नहीं है, और ये हरियाणा की जनता और पूरा देश देख रहा है इस बात को। देखिए इन्होंने हमारी जान विशेष जानकारी दी, आज का क्या कार्यक्रम है? आज हम यहाँ पे पहुँचे हैं, सारे हरियाणा की 20,000 आशाओं को हमने यहाँ नहीं बुलाया है, यहाँ पे 4 जिलों की आशाएं यहाँ पे पहुँची हैं, और उसके साथ हमारे पूरे हरियाणा के यहाँ पे करनाल है, पानीपत है, यहाँ पे कुरुक्षेत्र, कैथल और यमुनानगर का रादौर ब्लॉक यहाँ पे पहुँचा है, बाकी हरियाणा से हमारे जो नेतृत्वकारी साथी हैं वो एक एक साधन लेके यहाँ पे पहुँचे हैं। अब यहाँ पे हम 1 घंटा अपनी सभा करेंगे, उसके
बाद हम यहाँ से डीसी ऑफिस की तरफ पूछ करेंगे और जब तक हमें सरकार से कोई बातचीत का समय नहीं मिल जाता, हमारी मांगों के समाधान का कोई आश्वासन नहीं मिल जाता, तब तक हम यहीं पे बैठे रहेंगे, चाहे रात को भी हमें करनाल की सड़कों पे डेरा लगाना पड़े। देखिए, उन्होंने हमें बता दिया है कि अगर सरकार द्वारा इनकी मांगे नहीं मानी गई, चाहे इन्हें रात को भी करनाल में रुकना पड़े, करनाल में रुकेंगे। अभी फिलहाल पूरे प्रदेश की आशा वर्कर यहाँ नहीं आई, अभी फिलहाल पूरे प्रदेश की आशा वर्कर यहाँ मौजूद नहीं है, कुछ जिलों की आशा वर्कर आई है, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया अपने इरादे कि जिस तरह से सरकार ने वादा खिलाफी की है, सरकार ने इनके साथ जो व्यवहार किया है, सरकार ने जो इनकी बातों को नहीं माना, जो मांगे सरकार ने कही थी और जो वादा सरकार ने इनके साथ किया था, वो वादा सरकार पूरा नहीं कर रही। पिछले 2 महीने से ये सड़कों पर हड़ताल पर हैं, जबकि कोरोना महामारी में इन्होंने भी कोरोना योद्धा की भूमिका निभाई है। कोरोना योद्धा भी इनको सरकार ने ही कहा था, सरकार ने उस समय कहा था कि इनको प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जोखिम भत्ता भी लगे किया जाएगा, लेकिन इसके बारे में सरकार ने अभी तक कोई विचार निर्णय नहीं लिया। अब देखना यह होगा कि आने वाले कुछ समय में इनका ये आंदोलन क्या रुख लेता है, सरकार पर क्या प्रभाव पड़ता है। मैं तरुण मदान, सीनियर कैमरा पर्सन सनी चौधरी, समाचार एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद।